नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। UPSI की सीरीज का ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट ट्रैफिक सिग्नल्स पार्ट 3। जैसा कि हमने पिछले दो वीडियोस में मैंडेटरी सिग्नल्स, मैग्नेटरी सिग्नल्स और कॉशनरी सिग्नल्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंफॉर्मेटरी सिग्नल्स का। इंफॉर्मेटरी साइंस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन है सूचना देने के लिए है। इन साइन बोर्डों का इस्तेमाल हमें सूचनाओं को देने के लिए होता है, जैसे कि आगे कोई अस्पताल है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, कॉफ़ी शॉप है, चाय की दुकान है, या फिर आपका रेस्टिंग प्लेस है। तो इस तरह की सूचनाएं इस सिग्नल के माध्यम से दी जाती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इंफॉर्मेटरी साइंस। आइए एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या होता है। दीज आर द साइंस विच विल प्रोवाइड द रोड यूजर्स ए गाइडेड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन अबाउट द रूट्स, डेस्टिनेशन, हाउ मच रिमेनिंग डिस्टेंस इज देयर, हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल लोकेशंस। इंफॉर्मेटरी साइंस आर द वंस दैट विल मेक योर सफारी मोर प्लीजेंट, सेफ एंड ईजियर। दे यूजअली गेट ए ब्रॉड स्काई ब्लू बॉर्डर होल्डिंग द साइंस इन बिटवीन दैट आर अ ब्लैक कलर। तो आइए इंफॉर्मेटरी साइंस का पहला वाला देखते हैं, पेट्रोल पंप। आप किसी भी रोड पे चल रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह का रेक्टेंगुलर ब्लू कलर का होगा और बीच में पेट्रोल पंप का एक साइन बना होगा, तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि पेट्रोल पंप है। और हाँ, उसके नीचे डिस्टेंस भी लिखा होगा, 200 मीटर या 300 मीटर। ये जो हमारे इंफॉर्मेटरी साइंस होते हैं ये ब्लू कलर के बॉर्डर में ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये देखिए, आपको ये देखिए, स्क्वायर के अंदर एक बेड बना हुआ प्लस है, ये साइन शो करता है कि आगे हॉस्पिटल है। तो हम उससे ये पता कर सकते हैं कि हाँ हॉस्पिटल है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल में रुक सकते हैं। फिर ये देखिए है, एक रेक्टेंगुलर शेप में है आपका, ये देखिए एक चम्मच बना हुआ और एक कांटा वाला चम्मच बना हुआ है क्रॉस करके। इससे ये मतलब पता चलता है कि आगे कुछ खाने पीने की दुकानें हैं हाईवे के इर्द गिर्द। फिर हमारा आता है लाइट रेफ्रेशमेंट, ये देखिए स्क्वायर बॉक्स के अंदर एक कप और प्याला बना हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि आगे कॉफ़ी शॉप या टी शॉप है, नाश्ता पानी का जुगाड़ है वहाँ पे, हम रुक के नाश्ता पानी कर सकते हैं। बेसिकली अनजान हाईवे पे ये सब सिग्नल्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं, मददगार साबित होते हैं। हम किसी अनजान टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो इस तरह के सिग्नल्स बने होते हैं एरो करके, मतलब कि आप इस साइड में पार्किंग करिए, बहुत ही मददगार होते हैं हमें पार्किंग से बचने के लिए या कंजेशन से बचने के लिए। ये सिग्नल देखिए रेक्टेंगुलर शेप में है, एक बेड बना हुआ है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हॉस्पिटल में प्लस भी बना होता है, यहाँ पे प्लस नहीं बना हुआ है। इसका मतलब है कि आगे कोई होटल या लॉज है जहाँ पे हम ठहर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। तो आज हमारा ट्रैफिक सिग्नल्स का पूरा पार्ट 1, 2, 3 यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किए। जल्दी हम UPSI का IPC एंड CRPC के वीडियो के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने